नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मैं भूमिका लंबी नहीं करूंगा, मैं सीधे मेरे साथ सीमा से ही, बॉर्डर से ही रंजीत सिंह राजू साहब जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुभकर्ण का अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार अब तक रुका हुआ है उस बच्चे का। कैसे, कब होगा अंतिम संस्कार? जो शुभकर्ण का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा, उसका कारण है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी थी कि हम, जिन्होंने गोली चलाई है हरियाणा सरकार के मुलाजमों पर, हरियाणा पुलिस पर FIR दर्ज करेंगे, और FIR दर्ज करनी बनती है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। चलो, करोड़ रुपया दिया, अच्छी बात है, सहायता करनी चाहिए, नौकरी दी, अच्छी बात है, शहीद बोले, अच्छी बात है, लेकिन इससे अपराधी का अपराध तो कब नहीं हो जाता? जिसने अपराध किया है, जिसने निहत्थे किसान पर गोली चलाई है, उसके ऊपर तो FIR दर्ज करनी बनती है। और मुख्यमंत्री पंजाब ने ये कह दिया था, हम FIR दर्ज करेंगे, फिर पता नहीं किस दबाव में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। तो जब तक FIR दर्ज नहीं होती, तब तक शहीद का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, जब फैसला लिया गया परिवार वालों से मिलकर। ये बड़ा फैसला है, दर्शकों को भी ये जानने की जरूरत है। शुभकर्ण सिंह, और ये बात जब सबसे पहले जब शुभकर्ण की शहादत हुई थी, उसको मौत नहीं कहेंगे, शहादत ही कहेंगे उस युवा की, तो सबसे पहले जैसे ही ग्रुप में, किसान आंदोलन के ग्रुप से हमें सूचना मिली, सबसे पहले हमने इस पर वीडियो बनाया था, और वो मतलब बिल्कुल लाइव, उसको लाखों लोगों ने उस समय देखा। उस समय से हमने सवाल खड़ा किया था, उसी समय से सवाल खड़ा किया था, उसमें हम भी बैठे थे, अशोक वानखेड़े जी भी बैठे थे। हमने कहा था कि इसमें क्यों मुकदमा न दर्ज, क्यों? और इतना ही नहीं, जब मैं बॉर्डर पर था, शंभू बॉर्डर पे, तो इस विषय पे सवाल भी डल्लेवाल साहब से वहां पर मैंने किया था कि ये जिस तरह से पंजाब की सीमा में कहा जा रहा है कि बैरियर लगा रखा है इन्होंने, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। पंजाब की सीमा में, किसी राज्य की सीमा में घुसकर दूसरे राज्य की पुलिस कैसे बैरियर लगा सकती, उस पर भी। अब वो बात तो फिर भी छोटी रही, लेकिन अब उससे आगे बढ़ गया कि पंजाब की सीमा के भीतर पंजाब के एक बच्चे को हरियाणा पुलिस की गोली की वजह से शहादत देनी पड़ी। तो फिर क्यों हरियाणा के DGP पर मुकदमा नहीं 302 का, क्यों गृह मंत्री पर नहीं, क्यों मुख्यमंत्री पर नहीं? हम सिपाही की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप से तो यही होता ही है कि जवान और किसान को लड़ाओ, यहाँ जवान और किसान की बात नहीं है। मुकदमा क्यों नहीं मुख्यमंत्री खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज और DGP, इन पर क्यों मुकदमा नहीं? मुकदमा हम पूछ रहे हैं, सवाल तो हम पे कर दोगे, उन पर क्यों नहीं? ये सवाल लेकर क्या भगवंत मान के साथ राजू भाई आप लोग अब वार्ता करने की तरफ बढ़ रहे हैं या दबाव बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये पंजाब सरकार की ढिलाई है या नाकामी है, या कहें तो एक तरीके से किसानों के साथ धोखा है पंजाब सरकार। यहाँ पर 100% क्लियर बात है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है, आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्योंकि क्लियर कट है, गोली लगी है, एक किसान के 12 बोर गन के छर्रे लगे हैं। डॉक्टर ने ये बात बताई ऑफ द रिकॉर्ड, ये 12 बोर के छर्रे हैं। आंदोलन कारियों पर कंट्रोल रूम से कहूंगा कि उसकी फोटोग्राफ है, उसको फोटोग्राफ को लगा दें, चला दें। 12 बोर के गन शॉट्स लगे हैं और आंदोलनकारी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, अफगानिस्तानी नहीं है, हम पर आप बुलेट्स इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आपको रोकना, रोको, आंसू गैस चला लो, आप मान लिया वाटर कैनन चला लो, मान लिया, और ज्यादा दिक्कत है आपको लगती है हमसे, रबड़ बुलेट चला लो आप, लेकिन इससे आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब हम भारत के दोयम दर्जे के नागरिक है आपके हिसाब से। और दूसरी बात, आज से 4 साल पहले पंजाब में सैन माफिया के लोगों ने एक SP पर और एक पत्रकार पर ट्रक चढ़ा दिया था, और उसका कुछ नहीं मिलता। आपको NSA लगानी है, आपको कार्रवाई करनी है, करो लैंड माफिया पे, करो सैन माफिया पे, करो ड्रग माफिया पे, करो भू माफिया पे, तो करो गैंगस्टर वॉर पे, करो जेलों में जहां फोन पहुंच रहे हैं, जहां से क्राइम जो हो रहा है वो आपको दिखता नहीं, लेकिन कार्रवाई करनी किस पे है? आंदोलनकारियों पे। क्यों? क्योंकि आंदोलनकारी देश को जगा रहे हैं,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, क्या जिस वजह से कुर्बानी दी थी हमारे भगत सिंह ने, क्रांतिकारियों ने, और एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ये लगाते हैं टारगेट ये पंजाब का आंदोलन है, नहीं, आंदोलन देश का है, लीड पंजाब कर रहा है। पिछला आंदोलन भी देश का था, लीड पंजाब ने किया था, और जब आंदोलन था आजादी का तब भी लीड पंजाब ने किया था। 85% शहादत पंजाबियों की है, पंजाब की है, मैं सिखों को नहीं कह रहा, बड़ा ध्यान करिए आप, सिखों की नहीं, पंजाबियों की, पंजाब की। अहमद शाह अब्दाली को रोका किसने? पंजाब ने। नादिर शाह को रोका किसने? पंजाब ने। सिकंदर को किसने रोका? सिकंदर को पंजाब ने। लड़का पंजाब है, और आजादी पूरे देश को मिली थी, और आजादी किससे ली थी? अंग्रेजों से। और हमारा दुर्भाग्य है भाई साहब, आज हमें पंजाबी जो हमारे साथी है 50-50 लाख रुपया देकर उसी अंग्रेज के पास जा रहे हैं जिस अंग्रेज से छुटकारा पाया था। कोई डोंकी लगा के जा रहा है पैनामा के होते हुए, और उससे अगली बात, डोंकी लगाकर पैनामा से होते हुए जो अपना मेक्सिको की दीवार है, जब मेक्सिको की दीवार कूदता है आदमी, तो अमेरिका वाला गोली नहीं मारता, अमेरिका वाला बुलेट नहीं मारता, अमेरिका का सिपाही आंसू कैसे छोड़ता है, वो भी मानवता दिखाता है। भारत का नागरिक, चाइना का नागरिक, अन्य देशों का नागरिक डोंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से मेक्सिको की दीवार कूद के अमेरिका में घुसता है, और वहां का जो सिपाही है, सोल्जर है, उसको पकड़ता है, गाड़ी में बैठाता है, जेल लेके जाता है, उसको वकील प्रोवाइड करवाता है, और वकील को बताता है मैं क्यों आ रहा हूँ, मेरे क्या दिक्कत है, कुछ पॉलिटिकल असाइलम में कुछ सिस्टम होता है, उसके बाद वो साल डेढ़ साल में मुख्य धारा में आ जाता है। ये है लोकतंत्र। और यहाँ शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर ऐसा बना दिया गया है जैसे हम कोई बहुत ही पाकिस्तानी से आ रहे हैं, कोई पता क्या लेके आ रहे हैं। और दुख की बात और इससे बढ़ के यह है, केवल दो जगह पे किसान है, खनौरी और शंभू, और सरकार ने खुद ब खुद पता नहीं कितनी रोडें जाम कर रखी है। सरकार परेशान कर रही है आम नागरिक को, किसान नहीं। किसान तो कह रहे हैं रामलीला मैदान में जगह दे दो, हम वहां जाके बैठ जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, मांगे माननी आपकी मर्जी, नहीं माननी आपकी मर्जी, कम से कम आवाज तो उठाने दो। हम रामलीला मैदान में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि रामलीला मैदान दिल्ली है, राजधानी है, और हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री, जिसके पास पावर है मुद्दा हल करने की, वो दिल्ली में बैठते हैं। और दूसरी बात, पूरे देश का किसान कनेक्टिविटी है, पूरे देश का किसान इस आंदोलन में शिरकत लेना चाहता है, वो आसानी से रामलीला मैदान में आएगा और पूरी दुनिया को बताएगा कि ये आंदोलन जो सरकार डायरेक्टिव सेट करने जा रही है पंजाब का, हरियाणा का, चंद राजस्थानी किसानों का है, नहीं, यह आंदोलन देश का है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब को तो भाई साहब MSP लगभग मिल रही है, धान पे मिल रही है, कणके मिल रही है, कॉटन पे, गन्ने पे, चार फसलों पे इनको MSP मिल रही है, और 80-85% ये फसलें बिजान करते हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ पंजाब के किसानों को जो देश का आंदोलन लड़ रहे हैं। बिहार में 2015 में APMC एक्ट खत्म कर दिया, आज बिहार का धान 1000 रुपए क्विंटल बिकता है,